जो प्रिंसिपल्स हैं जो अब लोगों को नहीं समझ में आते कि अरे ऐसा क्यों है या ये वर्ण आश्रम धर्म क्यों है ये वो, दीज आर ऑल वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स टू स्टार्ट विथ. समवेयर डाउन द लाइन इट गॉट करप्टेड. कोई भी जो वर्ण था दे वर नॉट इन्फीरियर टू अदर्स, दे वर ऑल इक्वल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी. कैपेबिलिटीज के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी. उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे जो उनके लिए रेलेवेंट है. एक बच्चा जो इंटेलेक्चुअल बनना चाहता है उसको आप वॉरफेयर सिखा के क्या करो? क्योंकि अब सेक्स एजुकेशन की हम बात करते हैं, राइट? एक अभी रिसेंटली भी मूवी आई थी जिसमें काफी उन्होंने फोकस किया था कि सेक्स एजुकेशन देना चाहिए बच्चों को. व्हाई नॉट? सो हमारी जो सोसाइटी की रचना की गई थी और जो प्रिंसिपल्स हैं जो अब लोगों को नहीं समझ में आते कि अरे ऐसा क्यों है या ये वर्ण आश्रम धर्म क्यों है ये वो, दीज आर ऑल वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स टू स्टार्ट विथ. समवेयर डाउन द लाइन इट गॉट करप्टेड, बट इनिशियली देर वॉज अ थॉट बिहाइंड इट कि क्यों चाहिए. आपको एक डिविजन ऑफ लेबर चाहिए. हर सोसाइटी में देर हैव टू बी इंटेलेक्चुअल्स. उसकी प्रोटेक्शन के लिए देर हैव टू बी वॉरियर्स. टू उसके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए यू नीड ट्रेडर्स एंड एग्रीकल्चरर्स, यू नो, टू प्रोड्यूस फूड. एंड ऑफकोर्स यू नीड पीपल टू मेंटेन द बेसिक हाइजीन. यू नो, अगर वो बेसिक हाइजीन ही नहीं आप मेंटेन कर पाओगे द एंटायर सोसाइटी विल कोलैप्स. सो दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. इट वॉज नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट? अब जैसे कोविड में था या लॉकडाउन में था, वी डिडंट हैव यू नो हाउस हेल्प, राइट? व्हेन यू डू दोज थिंग्स यू रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट दोज थिंग्स आर. And you realize the importance of your domestic help. So they are important. So कोई भी जो वर्ण था, they were not inferior to others. They were all equal parts of the society. पर उसको अगर हम education system के हिसाब से देखें तो हमारे गुरुकुल में जो बच्चा एक certain age का हो जाता था, जैसे हर वर्ण के हिसाब से, मतलब आपका target क्या है, उस बच्चे की capability क्या है. वो बच्चा आगे जाके ब्राह्मण बनना चाहता है तो उसको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट? तो उसको मतलब इंटेलेक्चुअल बनना है, ही हैज़ टू नो मोर. तो ब्राह्मण जो बनना चाहता है वो 5 साल में स्कूल ज्वाइन करता था, गुरुकुल ज्वाइन करता था. जिसको क्षत्रिय बनना है वो 6 साल में ज्वाइन करेगा. जिसको वैश्य बनना है वो 7 साल में ज्वाइन करेगा. सो अलग अलग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी. उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे जो उनके लिए रेलेवेंट है. एक बच्चा जो इंटेलेक्चुअल बनना चाहता है उसको आप वॉरफेयर सिखा के क्या करोगे, राइट? उसको आप धनुर्वेद सिखा के या अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे के आप क्या करोगे? जिसको क्षत्रिय बनना है उसको आप प्राइमरीली ऑफकोर्स यू विल टीच हिम अबाउट मिलिट्री स्ट्रैटेजीज गवर्नेंस, पर आप उसको एक बेसिस भी दोगे, स्क्रिप्चुरल बेसिस, कि ये धर्म के ये फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, आपको इसके हिसाब से आचरण करना है. बेसिकली जो वाणिज्य में जाएगा, जो वैश्य कम्युनिटी का पार्ट बनेगा, ही हैज़ टू बी गुड विद नंबर्स, राइट? तो उसकी अलग टाइप की ट्रेनिंग होगी. उसको भी मार्शल आर्ट से कुछ लेना देना नहीं है. सो अर्थशास्त्र क्या है, ये सब जो कूटनीति क्या है, यू नो, जो हमारे पुराने ज़माने में प्रैक्टिकल टीचिंग्स थी, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई जाती थी कि आपको अपनी सोसाइटी में हारमनी में कैसे रहना है. जो आपका यू नो वर्ण व्यवस्था तो एक हो गई, जो आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ है और संन्यास. तो ये 4 stages ऑफ लाइफ है. तो ब्रह्मचर्य में यू बेसिकली गेनिंग नॉलेज. यू आर नॉट इंडल्जिंग इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, यू आर गेनिंग एज मच नॉलेज एज पॉसिबल. बहुत बेसिक चीज़ें हैं जैसे एटिकेट्स. ये हमारे करिकुलम का पार्ट क्यों नहीं है? यू नो, एटिकेट्स मतलब इट्स नॉट अबाउट डाइनिंग कि आपको कौन सा नाइफ और कौन सा फोक यूज करना है. इट्स अबाउट एटिकेट्स टूवर्ड्स अदर ह्यूमंस अराउंड यू. हम मतलब आप मेट्रो में ट्रैवल कीजिए या आप यू नो मुंबई जैसे भरे पूरे शहरों में आपको मतलब आराम से चलते फिरते धक्के लगेंगे. यू नो, नोबडी अपोलोजाइजेज, नोबडी बॉदर्स. मतलब एक वो जो रिस्पेक्ट है ना एक दूसरे की, वो एटिकेट है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो बी कर्टियस टू ईच अदर. Absolutely. Considerate for each other. Absolutely. I think this is also very important because etiquettes are important for on every level of your level of your life, precisely because आप एक बच्चे से जब आप एक teenager होते हो, teenager से आप जब आगे बढ़ते हो, स्कूल से कॉलेज में, कॉलेज से एक वर्किंग प्रोफेशनल में, एक प्रोफेशन में चले जाते हो, तो आपके एटिकेट्स आर नोन. आई मीन एंड दैट्स व्हाट पीपल से, राइट? हमें एग्जांपल दिया जाता है कि
क्या सिखाया घर वालों ने, राइट सो संस्कार 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 और आप गृहस्थ आश्रम में जब आप व्हेन यू आर अ हाउस होल्डर यू आर मैरिड यू आर हैविंग ऑल द enjoyment that life can provide. You're earning money, you're spending money on you, you're spending money on the society, and you are also taking care of each other. Aur matlab bahut interesting cheez hai kam sutra. Why is it important? You know, is it not important to have good sex? Why is it frowned upon? Kyunki ab sex education ki hum baat karte hain, right? Ek abhi recently bhi movie aayi thi jisme काफी उन्होंने फोकस किया था कि सेक्स एजुकेशन देना चाहिए बच्चों को. व्हाई नॉट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. और ये चार वर्णों की हमने बात की, चार आश्रमों की बात की, और उसी तरह चार पुरुषार्थ हैं जो लाइफ के बताए जाते हैं कि फोर गोल्स ऑफ लाइफ, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है. धर्म इज द राइट कंडक्ट. उसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मॉरली व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. आपका एक इंटरनल मॉरल कंपास होता है, हर एक का होता है, बट ऑल्सो फ्रॉम अ सोसाइटीज पर्सपेक्टिव व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज हेल्पफुल, व्हाट इज कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी. सो दैट इज योर धर्म. इट इज नॉट रिलीजन. इट इज योर राइट कंडक्ट. अर्थ इज अर्निंग मनी बाय राइट मीन्स, वे ऑफ राइट वे ऑफ अर्निंग. So, आपको सही तरीके से पैसा कमाना है और आपको उसको 1/3 जो होता था उसमें से वो आपको सोसाइटी पे लगाना होता था. 2/3 वाज फॉर यू, फॉर योर ओन ग्रोथ, फॉर योर ओन यू नो लग्जरी और व्हाटएवर, बट 1/3 यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन व्हिचएवर वे यू वांट. यू नो, आप चाहे मंदिर में दान कीजिए या आप कहीं किसी यू नो लेस प्रिविलेज्ड अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे की हेल्प कीजिए, या आप गौशाला में दीजिए, या आप कुछ भी करिए, पर आपको वो दान में देना है किसी ना किसी तरह से. काम is fulfillment of your bodily needs, which is important, right? For you to be happy as a person, it's a biological need. ये हमारे चार goals of life में एक है. और ये जब आपके तीन satisfy जो हो जाते हैं, वो आप चौथे की तरफ जा सकते हो, जो मोक्ष है. तो it's a very basic concept, Maslow's hierarchy of needs जो होते हैं, जो जिन्होंने MBA का की पढ़ाई की होगी या थोड़ा बहुत सुना होगा, तो आपकी basic needs जो है, safety, प्रोटेक्शन, फूड, शेल्टर, लव, ये आपकी फुलफिल होती हैं, तब आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे, विच इज द हाईएस्ट वन ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट. सो हम जब वो किसी फॉरेन ऑथर की थियोरीज में पढ़ते हैं तो हमें लगता है हाँ यार ये बहुत सही है, बट ये सारी जो ज्ञान हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है वो हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए अभी तक.